नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। मैं आपका अपना आशीष लोधी काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है निर्वाचन 2023 से रिलेटेड। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी निर्वाचन के बारे में मिल सके, किस प्रकार से क्या कुछ मूलभूत सुविधाएँ हमको प्रदान करनी है अपने मतदान केंद्रों पर। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाला है। आपको एक एक इमेज वाइज समझाया जाएगा, इजीली आप समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने कर्मचारी गण के लिए, और आप किसी भी आम नागरिक के लिए ये वीडियो शेयर कर सकते हो और इजीली इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम विषय की बात कर लेते हैं। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ व्यवस्थाएं एवं भोजन व्यवस्था के संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं पूरे आदेश को। क्या कुछ सुविधाएं प्रदान करनी है कर्मचारी गण के लिए अपने मतदान केंद्रों पर, तो उसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल पॉइंट वाइज। तो उसमें पूरे 9-10 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, आप इन बातों का ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मतदान दिवस के एक दिन पूर्व निम्नानुसार मूलभूत सुविधा एवं आवश्यक अन्य व्यवस्थाएं की जाना सुनिश्चित करें। तो ये कुछ लिखा हुआ है इसमें। चलिए हम व्यवस्था नंबर एक के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ व्यवस्था करनी है। तो नंबर एक की हम बात करें, अगर प्रत्येक मतदान केंद्र पर 15x15 फीट का टेंट जिसमें विभाजन करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 15x15 फीट का आपको टेंट लगाना है, उसमें आपको विभाजन करना है। महिला पुरुष मतदान पृथक पृथक बैठने हेतु 10-10 कुर्सियां एवं दिव्यांग तथा बुजुर्गों के लिए पृथक से 5 कुर्सियाँ सहित एवं कुल 25 कुर्सियां रखी जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए 10 कुर्सियां अलग रखनी है और पुरुषों के लिए 10 कुर्सियां अलग रखनी है और दिव्यांगों के लिए 5 कुर्सियां अलग रखनी है। तो टोटल 25 कुर्सियां आपको रखी जाना अनिवार्य है। इससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, इससे कम ना करें। नंबर दो की अगर हम बात करें, प्रत्येक मतदान केंद्रों पर एक सहायक केंद्र स्थापित किया जाना हेतु 15x15 फीट का टेंट जिसमें BLO दिव्यांग एवं शिशु सहायक कर्मचारी बैठेंगे, जिसकी पहचान हेतु बैनर भी लगाया जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, दो पॉइंट में जो दिया हुआ है, ये एक सहायक केंद्र अलग से आपको स्थापित करना है, जो कि BLO एवं दिव्यांग एवं शिशु सहायक कर्मचारियों के लिए बैठने के लिए होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और बैनर भी उसका अलग से लगाना है आपको कि यह एक सहायक केंद्र है। तो चलिए हम तीसरे पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के साथ एक अस्थाई कमरा आरक्षित किया जावे, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका झूला घर बनाएगी, जो धात्री महिला मतदाताओं के बच्चों हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो कि ऐसी महिलाएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, यह कमरा उनके लिए उपयोग में रहेगा। तो चलिए हम नंबर चार की बात कर लेते हैं। पेयजल हेतु 4 मटके, टंकी स्लैश बाल्टी, 2/ग्लास, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये आपको 4 मटके रखना अनिवार्य है, 2 बाल्टी रखना होगी आपको, गिलास भी रखना है, टंकी भी रखना है आवश्यकता अनुसार। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में पानी का टैंकर होना, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके ग्राम पंचायत में अगर पानी का टैंकर है तो उसको भी भराकर रख दिया जाए, जिससे कि सभी को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सके। किसी भी स्थिति में पेयजल एवं निस्तार हेतु स्वच्छ पानी की कमी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मतदान केंद्र पर पेयजल की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इस बात का आपको, ये एक मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए किसी मतदान केंद्र पर, और इसलिए आप एक्स्ट्रा में टैंकर रखवा लीजिए और या फिर बड़ी टंकी भी रखवा सकते हैं। टैंकर अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप टैंकर भी आप भरवा कर रख सकते हैं। नंबर पाँच की अगर हम बात करें, तो मतदान हेतु 6 टेबल, आपको इस बात का ध्यान रखना है, 6 टेबल होनी चाहिए। एक बड़ी टेबल बूथ बनाने के लिए,
तथा कुर्सियां एवं दो फर्श की व्यवस्था की जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 6 टेबल आपको चाहिए हैं इसमें, जिसमें कि एक बड़ी टेबल होनी चाहिए जो कि बूथ बनाने के काम आएगी, दो बड़े बड़े फर्श होने चाहिए जिससे कि इजीली लोग वहां बैठ पाएँ और वहां से आसानी से मतदान कर पाएँ। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो PWD दिव्यांग, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, दिव्यांग कैंडिडेट का आपको स्पेशल ध्यान रखना होगा। मतदाताओं हेतु प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाना अनिवार्य है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर नहीं है तो आप कैसे भी करके उसको अभी उपलब्ध करा लीजिए, जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में या कहीं भी कोई ना कोई मतदाता ऐसा होता है जो कि दिव्यांग होता है। तो इस बात का आपको उनको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर होना अनिवार्य है। इस बात को आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि बिना व्हीलचेयर के काफ़ी असुविधा होगी, इसलिए आप एक व्हीलचेयर अरेंज करा लीजिए मतदान केंद्र पर। नंबर 7 की अगर हम बात करें, मतदाता दलों के विश्राम हेतु 10 सेट स्वच्छ बिस्तर। देखिए, आप देख सकते हो क्वांटिटीज में क्या लिखी हुई है, 10 सेट स्वच्छ बिस्तर। इससे ज़्यादा भी आप ला सकते हो, इससे कम ना करें। इसमें आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, रजाई, गद्दा, चादर और तकिया, 4 चीज़ें आपको मंगा लेनी है, तथा गर्मी हेतु दो पंखे उपलब्ध कराने हैं। अगर गर्मी का मौसम है और ऐसा लग रहा है कि गर्मी है, 2 बाल्टी आपको रखनी है, 2 मग रखने हैं, 1 साबुन रखना है, मच्छर भगाने के लिए आपको मस्क्यूटो कॉयल इधर पे आपको उपलब्ध करानी है, जिससे कि जो भी मतदान केंद्र पर अधिकारी कर्मचारी गण हैं उनके लिए कोई असुविधा ना हो। नंबर 8वें पॉइंट की अगर हम बात करें, विद्युत व्यवस्था की अतिरिक्त 2 पेट्रोमैक्स की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जावे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश बेहद ज़रूरी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप 2 लैंटर्न ले जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गैस सिलेंडर वाला प्रकाश देने वाला स्टोव होता है वो आप ले जा सकते हो, जिससे कि अगर किसी भी स्थिति में लाइट नहीं रहती है तो वो इजीली काम आ पाएंगे। नंबर 9 पॉइंट की अगर हम बात करें, सफाई कर्मी के माध्यम से 2 दिन पूर्व मतदान केंद्रों के अंदर बाहर एवं आसपास साफ सफाई, शौचालयों की साफ सफाई एवं चूने की लाइन डालकर मतदान केंद्रों को सजा दिया जाए। दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आसपास साफ सफाई करवाना अनिवार्य है, 2 दिन पूर्व ये काम करवा लें, जिससे कि मतदान केंद्र के आसपास साफ सफाई रहे, जिससे कि वह इजीली दिख सके और मतदाताओं को आकर्षित करे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, सभी जगह चूना डलवा देना है, लाइनिंग कर देनी है चूने से, और अच्छे से उसको डेकोरेट करना है, जिससे कि मतदाताओं का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने के लिए आएँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप एरो के साइन बना सकते हैं जहाँ भी आपका मतदान हो चूना के माध्यम से, तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और नंबर 10वें पॉइंट का मैं आपको जिक्र कर लेता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, मतदान केंद्रों में तैनात मतदान दलों को भोजन की व्यवस्था स्वसहायता समूह के माध्यम से सशुल्क कराई जाना सुनिश्चित करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्था है वो स्वसहायता समूह के माध्यम से कराया जाना है। एवं आगे इसको रीड कर लेते हैं हम, मतदान के 1 दिन पूर्व, मतदान जिस दिन होना है उस दिन 1 दिन पहले 2 बजे से 5 बजे के मध्य चाय, बिस्कुट प्लस नमकीन एवं रात्रि 8 बजे भोजन में रोटी, तुअल की दाल, ग्रीन मिक्स सब्जी, चावल, पापड़, अचार की प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्यवस्था की जाए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यह बात 1 दिन पूर्व की है जब मतदान दल आ जाते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। मतदान के दिन सुबह प्रातः 5 बजे चाय / बिस्कुट, सुबह 8 बजे नाश्ता में पोहा / पकौड़ा / नमकीन / चाय, दोपहर 12 बजे पूरी सब्जी, अचार, सलाद, पापड़ एवं शाम 6 बजे भोजन का पैकेट जिसमें कि आलू की सब्जी, सूखी सब्जी एवं पूरी की व्यवस्था प्रत्येक मतदान केंद्र पर
की जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो संपूर्ण आदेश में इस रीड कर चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने 10 बताए हुए हैं आपको, इन पॉइंटों का आप ध्यान रखिए क्योंकि यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी मतदान दल के लिए और किसी भी इंसान के लिए बेसिक नीड्स हैं जो कि इस 10 पॉइंट्स में दी हुई हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए और सभी तैयारियां काफ़ी सही ढंग से करें जिससे कि निर्वाचन काफ़ी अच्छे ढंग से हो सके। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए और ऐसी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए एक छोटा सा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप इस आदेश को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप हमसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं किसी और विषय में तो आप इजीली हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।